हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आज मैंने सोचा जॉर्ज पुल चलते हैं, बहुत दिनों बाद जॉर्ज पुल जा रहे हैं। अदरवाइज जो है पोचिंग और यासना ही बहुत दिनों से जा रहा था मैं। तो यहाँ पे जब मैं उतरता तो लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा दूर थी, और ऐसे में ना मैं ही सबसे पहले था जो बंदा उतरने वाला था यहाँ पे। और अगर तो मेरी लैंडिंग सही हो जाती गाइस, काफ़ी किल मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पास मेरे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है और गन के ऊपर ही लैंड हुआ फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने कुल मिला के अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्लाइड किया था, और बाकी लोगों ने कुछ लोग तो गाड़ी लेके आ रहे थे, और कुछ लोग का आइडिया रहता है कि हाँ गाड़ी लेके जल्दी पहुँच जाएंगे, वो भी सही रहते अपनी जगह। लेकिन देखो वो एटलीस्ट बच के तो निकल गए। जिन लोगों ने ग्लाइड किया था और वो जल्दी नहीं कूद पाए मेरी तरह, तो वही धर दिए मैंने सारे के सारे बंदे। अब सबका माइनस लग गया होगा। फिलहाल यहाँ पे जो है मेरा माइनस लगा, इसके लिए मैंने जो है सबसे पहले वो मक्खी उठा लिया है। और यहाँ पर ना एक बंदा बहुत ही गलत मारता भाई मेरे को, बहुत ही ज़्यादा गलत। मेरे को पता नहीं चला उसने मारा कहाँ से। आई थिंक वो वेयर हाउस के बिल्कुल जो होता है ना एकदम गेट से, वहाँ से मारा उस बंदे ने। वहाँ से एंगल भी मिल जाता है, थोड़ा सा ऊंचा होता वो। अब वो मेरे ऊपर पुश कर देता, उसको लगा भाई तगड़ा ही उसने जो है डैमेज कर दिया है। अब फिलहाल डैमेज तो उतना नहीं हुआ था मैं, लेकिन उस बंदे को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। तो अगर आप यही चीज़ करते हो ना, अगर मैं उस बंदे को वहाँ से डैमेज कर दिया होता, एक तो उस बंदे ने थोड़ा सा लेट कर दिया, देखो मतलब उसने पुश किया लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया था, तो मेरे को यहाँ पर जो है मौका मिल गया हील लगाने का और चीज़ें भी करने का। तो तुरंत करो जो करना, अगर आप तुरंत नहीं करते हो तो उसके बाद करने का फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर ना मेरे को नीचे से फुट आ रहे थे कोई, तो मैं वेट करता हूँ यार फुट किसका आ रहा है यहाँ पर, वेयर हाउस में कोई तो है। और पता नहीं किसको देख रहा था, इसको निपटा दिया। और ना सिर्फ इसको निपटाया बल्कि दूर मेरे को एक और बंदा दिखता है। अच्छा मैं देख रहा था कि कोई और मेरे को दिख जाए, उसके बाद अपन जो है निकलते हैं, ज़्यादा बंदे तो यहाँ पर उतरे हैं नहीं। तो एक बेचारा दूर, अब देखो ये बंदा भी जो है इधर ही देख रहा था कहीं पे, बट उसको इतना नहीं पता था कि मैं जो है ऊपर से ही मार रहा हूँ। तो इस बंदे को भी निपटा दिया, और ज़्यादा बंदे हैं नहीं वहाँ पे। गाड़ी लेके आया था एक बंदा बट पता नहीं कहाँ चला गया, आई थिंक यही वाला बंदा था जिसको मैंने निपटाया। तो इसकी गाड़ी की हेल्प हो जाती है मेरे, मतलब इसकी गाड़ी की वजह से मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई। अब मैं ये गाड़ी लेके जाता हूँ दूसरी जॉर्ज पुल सिटी। एक जॉर्ज पुल ये है मेन जॉर्ज पुल, अब एक होती है जॉर्ज पुल सिटी। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे बंदे उतरते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे, छुपने का भी मौका मिल जाता है, लूट करने का भी। अब यहाँ पर मैं आया, मेरे को फूट आता है इस जगह से। मैं ऊपर आया, मैंने सबसे पहले जो है नेड करा इस घर में, बंदा था तो वहीं पे लेकिन पीछे चला जाता है। अब इस जगह से एंगल ऐसा है कि आप अगर नेड फेंकोगे तो वो उस वो जगह काफ़ी एकदम बारीक सी है, तो वहाँ से नेड एकदम अंदर को ग्लाइड नहीं करता है, उसके लिए एक कदम नीचे आना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखो नेड ग्लाइड करके आगे जाएगा और बंदे के मुँह पर फटा। तो यही चाह रहा था मैं, क्योंकि वो बंदा ऐसी जगह पे था ना, अंदर जाके दिखाता हूँ मैं कैसी जगह पर छुपा हुआ था। तो कई बार आपको बाहर से समझना होता है कि वो बंदा उस घर में कहाँ छुप सकता है, तो ये थी वो बेस्ट जगह जहाँ पे कोई नेड आता नहीं है अमूमन। तो मैंने उस जो वहाँ पे थोड़ी सी जगह थी एंगल बना के बिल्कुल अंदर तक ग्लाइड करवाया नेड को, और बंदा ख़त्म। अच्छा अब एक जॉर्ज पुल सिटी तो हुआ है, इसको भी जॉर्ज पुल सिटी ही कहते हैं। आप इसको क्या कहते हो बताओ, इसका कोई नाम वाम तो है नहीं, इसको भी जॉर्ज पुल ही कहते हैं लोग। जॉर्ज पुल का बैकयार्ड कहते हैं इसको, या जॉर्ज पुल बड़ी सिटी कहते हैं इसको, क्योंकि भाई दोनों जॉर्ज पुल मिला दे उससे बड़ी सिटी है ये पता। बट ये थोड़ी सी साइड में है इसलिए कोई आता जाता है नहीं। अगर यही बीचों बीच रहती ना भाई, इतने बंदे होते हैं, अब इतनी भसड़ होती ना माँ कसम। अब बाहर एक बंदा था, उसको मैंने नेड से पहले डैमेज किया और वो समझ गया कि हाँ डैमेज हो गया, भागना पड़ेगा। लेकिन जैसे भागा तो ऊपर से मैंने इजीली एंगल लेकर उस बंदे को निपटा दिया। अब गाड़ी लेके यहाँ से निकलते हैं गाइस, अब ड्रॉप आने का भी वक्त हो गया, तो ड्रॉप पे भी जाना पड़ेगा हमको। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, ऊपर वाली साइड भी चेक कर लेते हैं, ऊपर भी बंदे उतरते हैं, सोलो में काफ़ी ज़्यादा उतरते हैं इस वाले आईलैंड पर, ये अलग ही आईलैंड है। और तभी मेरे को एक बंदा दिखा, इधर लोग लूट के इधर से गाड़ी चेंज जरूर करते हैं, तो देखो टाइमिंग हो गई उस बंदे के साथ। जैसे मैं आया उसी टाइम पे मेरे आगे वो बंदा गाड़ी चेंज कर रहा था, तो मैंने इसको निपटा दिया इजीली। अब उसको निपटाने के बाद ना मैं देख रहा था यार ये ड्रॉप कहाँ गिरेगा, ड्रॉप तो मेरे को दिखा नहीं, कई बार होता नहीं दिखता आपको ड्रॉप, अजीब ही जगह पर गिर जाता है। तो यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखा जो कि ड्रॉप के लिए जा रहा था, आई थिंक उसकी गाड़ी दिखी मेरे को। मैंने इसको मारने की कोशिश तो करी बट मेरे को एक चीज़ पता थी, सोलो में अक्सर लोग को ऊपर जब स्प्रे होता है तो वो आते हैं, अगर उनको डैमेज वैमेज नहीं हुआ तो एकदम चौधरी बन के आएंगे भाई। तो बंदा आता वापस चेक करने और वहाँ पे कोई मिला नहीं तो वापस जा रहा था। अब यही बंदा था, इसको डैमेज तो नहीं किया था मैंने उतना, लेकिन अब देखो कैसे बाहर था ये बंदा मेरे को। यहाँ पर जो है मैं पता क्यों बचा, क्योंकि मेरी जो बग्गी थी ना उसने मेरे को थोड़ा सा उतरते हुए दूर स्लाइड कर दिया, अदरवाइज वो बंदा मेरे को फिनिश कर देता, उसने डैमेज कर ही दिया था मेरे को। अच्छा मैं वहाँ पे जो है सोच ही रहा था सीट चेंज करूँ, बट वो बंदा करने के बाद मेरे को ऑलमोस्ट फिनिश कर गया था। अब जैसे तैसे मैं बचाऊँ, बट एक चीज़ मेरे को पता थी कि एक बंदे की गाड़ी की आवाज़ मैंने और सुनी है,
और बंदा ऊपर ही हो, और इस बंदे को तो भाई काफ़ी सीली निपटा दिया। अच्छा वो भी वही चीज़ कर सकता था जो मैंने करी, एकदम उतरते उस बंदे के ऊपर स्प्रे कर दिया मैंने, तो वो भी वो चीज़ कर सकता था, बट वो बेटर वहाँ पे प्लेस के लिए जाना चाह रहा था, बट ईजिली निपटा दिया उस बंदे को भी। लेकिन अभी तक भी जो है मेरे को ड्रॉप नहीं मिला गाइस, तो मैं ड्रॉप के लिए थोड़ा सा और ढूंढता हूँ, मेरे को ड्रॉप मिल जाए। अब अगेन ड्रॉप तो नहीं, लेकिन यार काफ़ी सारे बंदे मिलते मेरे को इस ब्रिज पे, और बाइक वालों को मारना तो यार काफ़ी इजी हो जाता है, सिक्स एक्स अगर आपके पास हो या रेड डॉट हो तो काफ़ी इजीली बाइक वालों को मार दिया जाता है भाई, उनके पास कोई कवर भी नहीं रहता। गाड़ी वालों के पास तो फिर भी कवर रहता है भाई, वो गाड़ी से कवर मिल जाता है इजीली। अच्छा ये बहुत ज़रूरी है यार ये मटका लेना। अच्छा उसके बाद मैं जब निकल रहा था ना यहाँ से, तो एक गाड़ी और दिखती मेरे को, वही यही वाला सेम ब्रिज क्रॉस करते हुए, क्योंकि जोन इस तरफ को ही आ रहा था मोस्टली, तो उनको क्रॉस करना ही था। अब उस बंदे ने जैसे अपनी गाड़ी अंदर को कर दी, तो मेरे को पता था अंदर जगह तो बहुत बड़ी है ना, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, छोटा सा आइलैंड ही आई है पानी के बीच में, तो निकलना है तो अपनी गाड़ी को तो साथ ही लेके जाना पड़ेगा। और वैसे ही है वो बंदा अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, मैं पीछा करता हूँ उसका और उसको हेड ही हेड दिया मैंने, बट एक कुछ बॉडी भी लगी। अब वो 1 HP था ऑलमोस्ट, तो दोबारा स्प्रे में उस पर मार नहीं सकता था क्योंकि एंगल कुछ नहीं बन रहा था, तो मैं इसका पीछे करता हूँ। ठीक ठाक दूरी पे था वो, कम से कम 100 से 150 मीटर की दूरी पे था। अब वो गायब हो सकता था, बट जो बड़ी गाड़ी होती है ना गाइज, ऐसी टाइम पे ना वो उतना स्पीड नहीं पकड़ती है, बग्गी काफ़ी तेज़ी से स्पीड पकड़ लेती है, तो मैंने ठीक ठाक डिस्टेंस जो है कवर कर लिया था उसका पीछा करने के लिए। इस बंदे को ना भाई नरक तक चेस करूँगा मैं भाई, बहुत दूर तक चेस करता हूँ इसको मारने के लिए। इतनी दूर से चेस किया, ऊपर गया ये बंदा, ऊपर जाके मस्त हील वील कर लेगा वहाँ पे अब तो, और मिलेगा भी नहीं क्योंकि मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरे को भी किसी और जगह पे स्पॉन कर देंगे, और वो बंदा जो है बच के कुल मिला के निकल के भाग जाएगा। बट ऐसा मैं होने नहीं दूंगा गाइस, ऊपर भी इसको ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं मारेंगे। अब जब मैं ऊपर आता हूँ तो एक रैंडम सी जगह पे स्पॉन होता हूँ, मैंने आसपास देखने की कोशिश करी और टाइमिंग हो गई, सेम टाइम पे देखना, वो मेरे को बंदा दिख जाता है वहाँ से अंदर जाते हुए। ठीक है अब उसको नहीं पता कि मैं भी ऊपर आ चुका हूँ उसके पीछे पीछे, क्या पता मेरे पीछे पीछे भी कोई आ रहा हो ऊपर, तो इस पहले कि कोई और मेरे को चेस कर रहा हो, मैं इस बंदे को जाके निपटा देता हूँ। अच्छा ये क्या कर रहा था, अंदर सांप सूप होते ना उनको मार रहा था शायद, उसको लूट चाहिए रहेगी होगी, तो मैंने सबसे पहले ना नेड वेट करने की ट्राई करी, मेरे को लगा शायद PVP ले रहा था, एक नेड करते हैं। अच्छा जैसे मैंने नेड किया, बंदे को पता लग गया कि कोई तो आ गया यहाँ पे, बट उसको इतना नहीं पता था यार कि कोई बंदा उसको चेस कर रहा है, जो बंदा इतनी देर से चेस कर रहा है यहाँ तक आएगा, और ये सांप सूप भी थे भाई यहाँ पे तो। अच्छा मैं जंप एंड पंच करके आया ऊपर, उसको सुनाई तो नहीं दिया मैं यहाँ पे कोई ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे देखो कैसे बढ़ते हैं, मस्त लूट रहा था वो, उसने शायद कुछ बंदों को निपटाया था, यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी तो मैंने तो उसे मार दिया गाइस। अब यहाँ पे सांप सूप को भी निपटा देते हैं, क्या निपटाना क्या, इनको सीधा नीचे चलते हैं, टाइम वेस्ट ही होगा यार, लूट तो अपने पास है ही, अगर हो सके तो ड्रॉप लूटेंगे। अच्छा जब मैं ऊपर से कूदा तो नीचे ना गाइस, एग्जैक्ट मेरे नीचे 2 टीमों की फाइट चल रही थी। अब एक गाड़ी देख सकते हो शैक के बिल्कुल क्लोज है, और वो जो गाड़ी जिसकी थी वो बंदा शैक के अंदर बैठा हुआ है। अब उसको नहीं पता कि ऊपर से कोई कूद रहा है उसके ऊपर, जब मैं कूद भी जाता हूँ ना उसको कोई आइडिया नहीं हुआ, उसको इतना पता था पैराशूट से कोई कूदा है लेकिन कहाँ कूदा है उसको कुछ आइडिया नहीं हुआ सही में। अब यहाँ पे इसको ना कूदने की आवाज़ आई, वो बाहर आया, उसको नहीं पता, और वो देखो उसको पता नहीं अजीब सा इल्यूमिनेशन, इसको पता ही नहीं चला मतलब कौन कूदा है। खैर जिसने मेरे पे स्प्रे दिया था उसको मैं लेटा तो देता, बट यहाँ पे जब बच गया वो पेड़ होने के कारण, वरना स्प्रे जो है कंटिन्यू करता मैं। अच्छा अब यहाँ से निकलना भी होगा गाइस, क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा घिरता हुआ जा रहा हूँ यहाँ पे। सो ये गाड़ी है इस बंदे की, अगर इसमें फ्यूल हुआ तो मैं यहाँ से जो है चुपचाप निकल लूँगा, तो मैं स्मोक कर देता हूँ थोड़े आजू बाजू अपने, ताकि मेरे को जो है कवर मिले यहाँ से भागने के लिए। और मेरे को इतना पता नहीं है कि यहाँ पे कितने लोग हैं, तो जितना हो सके उतना कवर से अपन यहाँ से निकलेंगे स्मोक के बीच में से। अब यहाँ पे ना वो जो बंदा जिसने मेरे पे स्प्रे किया था, जो गिली सूट में था, उसको निपटाना है हमको, तो उस पर एंगल बनाने के लिए ना मैं दूर आ जाता हूँ। फिर यहाँ से मैंने एंगल बना के उस बंदे को जो है छेदा थोड़ा सा, फिर मेरे को कन्फ्यूजन हो गया यार कहीं बंदा बाइक लेके भाग तो नहीं गया, आई थिंक वही था वो बंदा, तो मैं निकलता हूँ। और जैसे मैं निकलने लगा वापस वही बंदा, अब उसने मेरी गाड़ी डैमेज कर दी लेकिन मैंने उसको डैमेज कर दिया था। सो मैं तो यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ, वो बंदा हील कर रहा है, तो मैं जब तक वो हील कर रहा है मैं दूर जाके या तो अपनी गाड़ी चेंज कर सकता हूँ, बट गाड़ी यहाँ आसपास कोई है नहीं, तो इसी के साथ ही जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब मैं ड्रॉप पे आ जाता हूँ, फाइनली ड्रॉप जाके मिला मेरे को इतनी लेट, अब यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया था भाई, वो बंदा कुचल देता मेरे को, बट बच गया मैं। यहाँ से मैंने ग्रोजा भी उठा लिए, और मेरा टारगेट जो है वो गिली सूट वाला है,
वो बिल्ले सबसे बड़ा खतरा गाइस, उसके पास जो है वो तगड़ी गन है ड्रॉप वाली, तो उसको तो नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पे जो स्प्रे स्प्रू हो रहे हैं, जो आसपास फायरिंग हो रही है, फाइट हो रही है, मैं थोड़ा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी की जो हालत है वो ऐसी नहीं है। अगर क्लोज जाऊँगा तो एक ही स्प्रे में पेल देंगे मेरे को, तो मैं दूर दूर से थोड़ा सा फाइट करने की ट्राई करता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे जो है किसी की बग्गी मिल जाती है तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस, फिर तो जाके मैं जो है इजीली उनके ऊपर रश कर पाऊँगा। अदरवाइज इस गाड़ी से मैं सीधा उनकी तरफ जाऊँगा ना रश करते हुए, तो एकदम एक स्प्रे में फाड़ देंगे गाड़ी को, और गाड़ी ब्लास्ट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पर। अब दूर मेरे को एक बंदा दिखता है और फाइनली काम खत्म किया इस बंदे का, तो ये बहुत देर से तंग कर रहा था निपटाया इस बंदे को। लेकिन शेक से थोड़ी दिक्कत सी थी मेरे को, मेरे को लगा कि शेक के अंदर कोई है तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ सबसे पहले, अगर लगे ना कि भाई गलत एंगल बन रहा है यहाँ पे तो निकल लो भाई वहाँ पे से, कहीं और जाके फाइट लेके मर जाओ, बट वहाँ पे मत रहो क्योंकि डबल साइड से पड़ेगी ना, तो आप किस तरफ एंगल लोगे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे बग्गी चेंज करने के लिए, लेकिन जैसे बग्गी चेंज करी एक बंदे को तो भूल ही गए थे, वो बंदा था भाई गिली सूट वाला, और बग्गी चेंज करते भाई वो बंदा पता नहीं कहाँ से आया मूव पे, और हालांकि मैंने भी हेड टेक दिया था उस बंदे के, बट वो बेटर पोजीशन में था। और फिलहाल मेरी जो रैंक है वो आप देख सकते हो 5000 के क्लोज है, कल भी 5000 ही थी, अब धीरे धीरे बढ़ेगी रैंक यहाँ पे से थोड़ी सी, तो उतना खेल नहीं रहा हूँ मैं, एक दो मैच ही खेल रहा हूँ दिन के, तो उस हिसाब से ठीक ही है गाइस। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और ऐसी वीडियोज़ जो है मैं और भी लाता रहूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग भी ट्राई करेंगे यार, कुछ अलग भी ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय गाइस।